अस्सलाम वालेकुम, गुड डे। अज 6 अक्टूबर है। मामूल मुताबिक मां वरी अवे खिदमत में हाजिर थो आया। अवे घर में वेही अवे पेर में वेही तारीख फामी जो पहलू कंदासीं। पर अग में एक गुजारिश कंदो हलां त मूं जॾहिं खां वीडियो टॉक शुरू कया आहिनि त ॿाहिरनि मुल्कनि में गैर सिंधी दोस्तनि स्कॉलर्स ने बि ॾिसणु शुरू कया आहिनि ऐं उन्हनि खे सिंधी कान थी अचे। चवनि था त तूं कॾहिं कॾहिं भला जेका सो अंग्रेज़ीअ में बि ॻाल्हाए, त मां चवां थो हिकिड़ो इंट्रो उन जे लाइ मां अंग्रेज़ीअ में ॾियां, तंहिंखां बाद में असां भई पाण जेको सो कचहरी कंदासीं। सो भई मूंखे इहा इजाज़त ॾियो त मां पंहिंजो उन सां ॿ ॻाल्हियूं करे वठां अंग्रेज़ीअ में, तंहिंखां पोइ वरी तव्हां सां गॾु कयां थो ॻाल्हियूं। ऐं मां सम्झा थो त अंग्रेज़ी एॾी का मोॾी का ॾुखी कान हूंदी जेको अवां सम्झो, पर ॿियनि खे ॿुधाइणो आहे त वीडियो टॉक जे ज़रिए मां अवां सां कहिड़ियूं कचहरियूं कयां थो, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयां थो। सो गुड मॉर्निंग एंड गुड डे टू माय फॉरेन फ्रेंड्स हु आर लिविंग इन आउट ऑफ सिंध इन 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 एनी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान आर इन कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। आई हैव स्टार्टेड वीडियो टॉक्स टू हैव अ कन्वर्सेशन, आई हैव अ डायलॉग विथ माई पीपल, पर्टिकुलर पीपल ऑफ सिंध, टू गिव देम इम्प्रेशन दैट वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट एंड अवर फ्यूचर विल बी अवर रिफ्लेक्शन, फ्यूचर विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर एटीट्यूड, अवर रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन, अवर एक्टिविटीज। सो माई एम इज टू अप्राइज माई पीपल अबाउट द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय देयर फॉरफादर्स एंड अबाउट द मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स कमिटेड बाय देम, दोज आर वेरी बेडली अफेक्टिंग अवर सोसाइटी, अवर टाइम। सो पास्ट इज ग्लोरियस इन अ वे दैट इट टीचिज अस हाउ टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द गुड पीपल एंड हाउ टू अवॉइड द मिस्टेक्स एंड अदर फॉल्ट्स ऑफ द पीपल दोज वर कमिटेड इन द पास्ट। So we Sindhis are the very, very, very important in the political history of Indo-Pak. We have played very leading role in the politics. We are in real, we are founders, we are the creators of the Pakistan. You all know that when in 1906-05, Muslim deputation saw the then Viceroy and tried to present their problems. So it was headed by Sir Aga Khan, and Aga Khan was born in Sindh. So when you see that Pakistan came into existence under the guidance, under the leadership of the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. And Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was born in a jerk near Karachi, and both Aga Khan and Qaid Azam both were Sindhis, and you will note that it was the Sindh Assembly that passed the resolution to support, to accept the ideology given by the Muslim League regarding the creation of Pakistan. So we are trying to give people some sort of impression that don't be caught by inferiority complex. You were leaders, your forefathers were leaders, you are leaders. And you will, and in the future,
your son will produce very outstanding leaders in the field of politics, education and literature. So in my task I do cover two periods of the past. That is the Talpur period and British period. So I will do my level best to give you a brief when it is very important event. So thank you for asking me, requesting me to give you a brief that what is the aim and of your talks and what I am going to share with my people. So thank you. Sai, हाणे मां पंहिंजनि प्यारनि प्रिन सां ॻाल्हायां, मिठड़नि मारुनि सां ॻाल्हायां, सिंध जे वारसनि सां ॻाल्हायां, जेके पंहिंजे हिसाब सां ज़िंदगी जे हर शोभ में वॾा कारनामा सर अंजाम था ॾियनि. मां रोज़ानो ॾिसां थो इंटरनेट जे ग्रुपनि ते त कहिड़े नमूने सां असांजो नियाणियूं, असांजो औरतूं, उहो बि सिंध जे दर्दनि ऐं दुखनि जो आवाज़ बणिजी रोडनि ऐं रस्तनि ते निकिरनि थियूं पियूं. मां इहो रोज़ानो ॾिसां थो पियो त कीअं असांजा जेके गुम थियल नौजवान आहिनि, जिन खे गुम कयो थो वञे, उन्हनि बाबति कहिड़े नमूने सां तहरीकूं हलनि थियूं पियूं. सो अवाम जेको आहे, अवाम पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी सियासी बसीरत ॾेखारी आहे, पंहिंजा रंग ऐं ढंग ॾेखारिया आहिनि त उहो ज़िंदा क़ौम जा फ़र्द आहिनि. सो उन सां ई मुंहिंजूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ऐं मां चाहींदो आहियां त के शयूं अहिड़ियूं अव्हांजे ज़हन ते आणींदो रहां जीअं अव्हांखे हिकिड़ो इंडिकेशन मिलंदो त तारीख़ काॾे पई पेर खणे या कीअं खणी आया आहिनि, ऐं उहो सुभाणे असां जेकॾहिं पंहिंजनि रवैयनि, अमलनि, नज़रियत सां जेकॾहिं उन जा इहे दुरुस्त न कयासीं दग, त पोइ असां बि बेदगा थी वेंदासीं ऐं सिंध खे वॾो हानियो ऐं नुक़सानु पहुचंदो. सो अॼु 6 अक्टूबर ते विलादतुनि ऐं वफ़ातुनि ऐं ॿिए तफ़सील मूंखे मिलंदा इंटरनेट ते. मां हिकिड़ो विलादत मोकिलंदुसि, माण्हू हिकिड़ो वफ़ात मोकिलंदुसि. अॼु जेको आहे सो 1878 में इलाकाए में हिकिड़ो माण्हू ॼाओ ज्ञानचंद मोटवाणी जे नाले सां वॾो सोशल वर्क वारो वॾो मुखयर हिकिड़ो छा चइजे त माण्हू जी मदद करण में हुनखे सुकून मिलंदो. हुन वॾो कारनामो जेको लाड़काणे में सर अंजाम ॾिनो, हिकिड़ो बाग ठाहियईं, ज्ञानचंद बाग मशहूरु हो. मां मूंखे यादगिरि आहे त मां बि जॾहिं नंढिड़ो हूंदो हुउसि ऐं पढ़ंदो हुउसि लाड़काणे में, त पोइ शाम जो निकिरी वेंदो हुउसि ज्ञान बाग में ऐं छा त बाग हुयो ऐं उन उन्हनि ॾियारनि में जेके सहूलियतूं हुयूं उहो तसवुरु बि नथियूं करे सघजे त अॼु घणनि बाग़नि में आहिनि. उहो हुन माण्हू एॾो वॾो कमु कयो, पर हाणे उन बाग जी भींग थी वई आहे, कब्ज़ा उन ते थी विया आहिनि ऐं उनजी लैंड माफ़िया जेका नंढे पैमाने खां वॾी वॾे पैमाने ते हिन दौर जो हिकिड़ो कल्चर बणिजी पियो आहे. नंढिड़ा माण्हू आहिनि पंहिंजे हिननि दड़ा ऐं माग ऐं मकान जेके अहमियत वारा आहिनि, जेके असांजो जे अज़ीम ऐं ग्लोरियस पास्ट जो जेको उञाण आहिनि सॉरी हुन ते कब्ज़ा था कनि. वरी इहो साॻियो कल्चर वरी वॾे पैमाने ते जॾहिं अचे थो त मां ॾिसो था त ॿेटनि हिन ते शहरनि ते जेके कब्ज़ा था पिया थियनि. सो सिंध जो माण्हू जेको आहे बाख़बर आहे पंहिंजे सूरनि खां, पंहिंजे मज़कूरनि खां, पंहिंजे मुजारनि खां, पंहिंजे दुश्वारनि खां, ऐं उहो माण्हू सुहिणे नमूने सां उहो कमु करे थो पियो. पर उहा चइजे त उहो बेख़्तियार आहे, उहो हालतूं खे तब्दील करे नथो सघे. उहो दाह ऐं कूक त करे सघे थो, पर हाणे रुगो दाह हुन कूकुनि सां का तब्दीली कान ईंदी. उहो त सॼनि खां वठी असां उहो सिलसिलो ॾिसंदा आया आहियूं त इहो ईअं थींदो रहियो आहे. अच्छा, सो ज्ञानचंद खे यादि कयोसीं, हुनजो कंट्रीब्यूशन आहे, सोशल कंट्रीब्यूशन आहे, ऐं उहो माण्हू जेको सो सिंध जे तारीख़ लाड़काणे तारीख़ में हिकिड़ी अमर हैसियत रखे थो पियो. ऐं असांजे वफ़ातुनि मां
और मैं जानो था पाने दौर मानू है आसम नातन शाही आ उन्हें उन्हें जो जिक्र है वो 2006 में जो का मोट लिखल है तो उन्हें जी वफा थी तो हाँ इन्होंने असि अरस कह कहीं कहीं मौको उन्होंने तारीख में गलती थी वे कहीं कहीं ये भी थी वे तो कोई बेचारो जिद वेठो उनके मोहन में शामिल करे तो वा तो ये डायलॉग है मुझे फाइनल वर्ड्स ना है मुझे को हर्फ आखिर ना है तो मुख कद का तारीख में विलादत के में वफात के में का गलती थी वे तो अवा मुख्यमंत्री करे जो सो वो करे दींदा कहो करेक्शन मुझे रहनमाई कदा कहो मुझे जी अस कुर्ब करें तो जो अस ये तारीख साधी अकेले कम को इन में तुम मूसा गुड शामिल आयो अवा के को उस्ताद बन की दर्श न तो दें पर मां जो मुतालो है टालपुर के दौर जो अंग्रेज के दौर जो माशाला वो उन कलाइंदे तो परेशान थींदा तो गुल हयात इंस्टिट्यूट उन बानी सिंध के लिए केतो मवाद गड है जो बेन इदार में हों इदार खो हों वो हों पर मुसीबत यह है तो उनकी प्रेजेंटेशन कान्ने उनके सो जाहिर न किया है मानो जो सो जेन से ना आंदो पो मानो के मुताले के लिए वो सहूलत उन्होंने को दिनी वन जन कर गुल हयात में कभी मैं उन बुधाइंदस अवे जैसे अज वक्त मिलो तो उन्हें थोड़ो इशारो कर वासी हाँ वरी असो सिलसिलो जो हों माजी करीब का हलूँ था वाक्य में माजी बैद ताजी बैद से कोशिश में यही तो क्या तो अव से पे जो ब्रिटिश पीरियड से घो या अस ईंदे बेन दौर से भी ाल पर ब्रिटिश से जैसे ालब तो उन मजा असा के फायद यो रसों तो मुझे रोज़ जो जुमलो इन दौर में जो बीज सट रो वो हाँ फसल थी चुको जो बूट रखो वो वी वण थी अस उन्हें अड़ा वण शामन था दियन या अड़ा वण जिन में मेव या नो मिले सो तेरे कोशिश यही कह तो ब्रिटिश पीरियड जो घड़े को घड़ा जैसे वाक्य आडो अरज रखा हाँ माजी करीब का जैसे अस शुरू क्यों था तो पे पे तो अचे असो 2001 जो वाक्य है तो उन में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मुशरफ परवेज इन जी भी आया जिन कब्जा क्या हुकूमत से मार्शल लॉ लगायान मान अस चूडियल नुमाइंदन के ड्राई लाए छन वो जैसे भी इख्तियार में आया उनको एक्सटेंशन जो मौको आया तो उन्होंने पान के जो सो नौकरी में या पाने उहदे के एक्सटेंशन कर में उनके वधारे में पा ही ऑर्डर कन वो मुशरफ जो दौर हो वो उनको जया जो दौर हो कौ दौर हों तुम तो वो पाँगी नौकरी जो इजाफो पा ही था कन उन्होंने का जरूरत कान्ने को बो मू वही उन्होंने चाहिए तो उहदे जो इजाफो करे उन मुद्दे में सो एक गाल कामन थी तो जो भी जाबर आयो जो भी गैर जमहूरी हवाले से आयो उन मूँ पान के प्रोमोशन्स दिना पान के एक्सटेंशन्स दिना रिवायत साल वी आए अयूब दौर का वी वे जो सो मुशरफ तई तो यह तय थी वही तो यहाँ पाँ हिसाब से पा अस ज्यादू तो कन पर ओहदा रुतबा भी वायन बो वाक्य है अस 1950 जो नोट कर गाल है लियाकत अली खान जो वजीर आजम है पाकिस्तान जो 6 अक्टूबर 1950 से उन मानू सिंध मुस्लिम लीग की सदारत में कबूल कई या भी अस सियासत में एक किस्म गलत ट्रेंड है गैर जमहूरी ट्रेंड है तो मानू उहदे में भी होजे उन गो गे पार्टी के गोड़े जेठा रखे ये घड़न सियासी हुक्मरान के डारन में
ईअं थियो कि पार्टीअ जा अॻुवाण बि हुया, हुकूमत जा अॻुवाण बि हुया, ॿिन्ही हथनि में हुननि जे हथ में गिदरा हुया। पोइ जेको वॾो न उन्हनि पाण सां ज़्यादतियूं कयूं, ज़्यादतियूं ईअं कनि त उहो एतिरो ख़ुदिसर थी विया त हुन खां मुल्क ऐं माण्हू जेके आहिनि से विसरी विया। सो इहे रिवायत 1950 में क़ाइमु थी त असांजे जेको वक़्त जो हुकुमरान हो तंहिं उहो मुनासिबु ॾिया थो त मां पार्टी जो जेको आहे सो सदर थियां। इहे ॿ वाक्य असां कयासीं असांजे हिन मां माज़ी क़रीब मां। हाणे साईं असां वरी जेकॾहिं अचूं था पिया 41 42 जो थोरो मां ज़िक्र कंदुसि। हाणे 41 42 खां अॻु में हिकिड़ो अचे थो 1934 जो, इहा बि कम जी ॻाल्हि आहे, नोट कजो। लालकाणी जो डिप्टी कलेक्टर जेको आहे उहो लिखे थो पियो असांजो लोकल बोर्ड खे, ॿियनि माण्हुनि खे थो लिखे थो बाबा इहे जेके मेला मलाखड़ा थियनि था पिया, उहे मेला मलाखड़ा हुन में कल्चरल वैल्यू त आहे, माण्हुनि खे थोरी घड़ीअ लाइ ख़ुशि थियण जो मौक़ो त मिले थो, पर उते जेके ग़लति ॻाल्हियूं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ थियनि थियूं, जेके बिदतूं थियनि थियूं, जेके उन जा मनफ़ी असर मुआशिरे ते घणा था पवनि। माण्हू खिलंदे खिलंदे सभु कुझु पंहिंजो विञाए थो वेहे। तंहिं करे हुन हिकिड़ी सजेशन ॾिनी, तजवीज़ ॾिनी त बाबा मेलनि मलाखड़नि ते। पोइ हुन हिकिड़ी कमेटी बि वारी जंहिंमें अयूब खोड़ो बि हो ऐं असांजो प्रभुदास तोलाणी, हे ॿिनि माण्हुनि ते हिकिड़ी हिन कमेटी बि ठाही त हीअ जॾहिं मेला थियनि त तव्हां हिननि खां ऑब्ज़र्व कयो ऐं पोइ सलाहूं ॾियो त असां हिननि में कीअं तब्दीली आणूं। मेला त असां सिंध जी हिकिड़ी सूंह आहे, सिंध जी सकाफ़त जो हिसो आहे, पर उन मंझि मुंझारा कहिड़ा पैदा थिया आहिनि उहो अवां पाण ॾिसो था पिया। कलंदर जो मेलो थो लॻे, इहो सोचो त असांजे ॼण हिकिड़ी का मशहूरु आहे, ॿिया माण्हू अचनि था पिया, सिंध में घणे खां घणो हिसो जेको कमायो खयूं हलिया था वञनि। अहिड़े नमूने सां वरी लतीफ़ साहिब जो उर्स मुबारक थिए थो, उर्स खे मां मुबारक थो चवां। उर्स मुबारक जे वक़्तु छा थो थिए त असां एतिरो बेहोश थी था वञूं त लतीफ़ साईं जी वफ़ात जो ॾींहुं आहे, वफ़ात जा ॾिहाड़ा आहिनि, त असां हिकु ॿिए खे वरी उर्स जूं मुबारकूं था ॾियूं। अञा तोखे लतीफ़ साईं जो उर्स जूं मुबारकूं थियूं। अरे बाबा इहो ज़ुल्म कीअं था कयो, पर कार सहिब त क्लियर कयो, उर्स जेको आहे उर्स मुबारक थी सघे थो, उर्स जी मुबारक न ॾिबी आहे। ऐं अवां हाणे ॾिठो लतीफ़ साईं जा कल्ह ते मिसाल टिनि ॾियारनि ताईं इहो थियो, इहे थियनि सकाफ़ती एक्टिविटीस थियनि, पर उन में अहिड़ी का एक्टिविटी न थिए जो असांजो नज़रियाती दॿु खसे, असां को हिकिड़ो चइजे त एंटी सोशल हिकिड़ी आदत असां में पैदा करे। सो इहो 1934 में लाड़काणे मूं इहो जेको सो आवाज़ु थियो त बाबा हिननि ते नज़र रखो। हाणे असां अचूं था अंग्रेज़नि जे दौर ते, 2 साल खणंदासीं, हिकिड़ो वाक़ियो 1941 जो खणंदासीं, ॿियो वाक़ियो 1942 जो खणंदासीं। पर इन खां अॻु में हिकिड़ी मां गुज़ारिश कयां, साईं मुंहिंजा मूं अकेले सिर कंहिं दरबार या सरकार जी मदद कोन थो आहे, गुलहत में ॾाढो मवादु गॾु कयो आहे, ॾाढी तरक़ी कई आहे, उहो इन करे कार कई अथमि मां क़बर में खणी वेंदुसि। हुनखे तको वेबसाइट ते जेको आहे सो मुंहिंजी वेबसाइट आहे www.drpathan.com, उन ते मां रखंदो आहियां त मूं क़ौम ॾिसे, मुंहिंजा माण्हू ॾिसनि। अच्छा हिकिड़ो मूं तजुर्बो कयो, हिकिड़े साल ते मूं लिखियो किताबु अंग्रेज़ी में आहे, कहिड़ा नाला जी आहे, मिसाल ॻाल्हि अॼु जो ज़िक्र कंदासीं, सिंध इन 1941, अधु अधु सिंध त सिंधी में चवंदो आहे, अधु अंग्रेज़ी में चवंदो आहे, सिंध 1941 में, सिंध 1942 में, हिकिड़ो किताबु जेको आहे उहो 100 पेज जो आहे। हाणे 1843 खां वठी 1947 ताईं 100 पेज जो किताबु मां ऐं गुलहयात इंस्टिट्यूट में गॾु कयल मवाद जे बुनियाद ते मां उहो लिखी थो सघां। मां हिकिड़ा सैंपल ठाहिया 2, पर अलाह सम्झ में या मूंखे ॻाल्हि न ईंदी आहे। असां भित बि ॻाल्हाए थी, असां ख़ामोश आहियूं, असां कंहिंजे पोरे जी तारीफ़ त नथा कयूं, पर उन जो फ़ाइदो बि नथा वठूं। को असांखे जेको आहे सो हिकिड़ी सुठियूं डिशूं डिशिस पचाए आॾो रखे थो, नथा खाऊं।
मां समझा तो ये जो अजो के दौर के पान के डाहो मानू तो चे साजा बंद मानू तो चे उन अखिय बंद थे कन बंद अस को बुध लाइ तैयार को वात बंद कर वही तो रहे बाबा जो गलती तो करे तो वारो कर बाबा ने चो तो गलती तो करे को चगाई तो करे शाबाश दे उनके अस ये थी वह आयो जो चवंदा सत भार पन कता पेरे भाव के जो सो नांग खाधो वो टपी बेन भार गाल के बेसा टेसा चौथे सा सागो कर दो उन सते भाव के नांग खाधो तो कहा कि अरे घोड़ाड़े मुख्य नांग खाई विधो सते भार पेरों भाव के करे दाह कर तो बया भार बची वन अस ये था क्यों अड़े गलत रस्त तो वो तो बेजी पोचो ईंदड़ जी का रहबर ईरान माई ना क्यों अब ऐसो मां तक टास्क कया तो वो टास्क में ये तो क्या अरे बाबा में धाऊँ तो क्या ना दादा घोड़ाड़े घोड़ा जे अस रस्ते था ना हलो वो गलत आ अस तो मानून के जो कृपा जो नजरियाती हाथी रबर पड़ा अस वो मौत कदे इतना था थी वनों जो उनके पूजूँ था अब पूजो छो था तड़ा मानू आन उन चंगा कम क्या उनके फॉलो करो जर उनको गलत थी तो उनको बचो न तो उनकी गलतियों से वेझो असो डको ए पोचो तो असो पोप हीरो आइडल है उनको नालो वे था गिची पटो ये गलत आजाद जहन है आजाद माहौल है आजाद सोसाइटी ला कम था कर उनमें अड़ी गुलामियों अड़ी पाबंद न रखो सो हाँ उतालीह ने पेप मोटो किताब है सिंध इन 1941 यो वेबसाइट पे ऐसो तो सही यार एक मानो कड़ो कम तो करे बो किताब है सिंध इन 1942 वो भी जरे 100 पेजेस जो किताब है वाक्य है ना अंग्रेजी में पहली जनवरी का वही 31 दिसंबर तक ये 43 गल ऑर्डर में है हाँ 41 में जो खास गाल थी उनमें ये थो तो असो बरतानिया के वजीर खारजा हिंदुस्तान सूरत हाल से खिखा बाखबर कर लाए अमेरिकन आवाम से मानों से जो रेडियो से खिताब कर उन रेडियो खिताब में जाहिर हुकुमरान जन हुकुमरान हूँ ना वो पाजी गाल आवाम जो या धरती जो घट कर तो उन्हें थे वो प्रेस में जो वो हंगामो थोड़े एडिटोरियल्स आया सो इन दौर में अजो के ढीह से खोड़ अखबारों आज सिंध जो उन्होंने उन एतजाज कन तो बाबा हाँ तो ये कर तो भला इतों के मानों के मौको दियो तो रेडियो जो सो अमेरिकन अमेरिकी मानों से उ भी ऐन तानी गाल कर वो अस छो तो असानी गाल क्यों सो अजो के ढीह से प्रेस जैसे पाजी से पवंदी वन तारीख जहाँ रुख मोड़े छी उन्होंने पॉजिटिव रंग दी सो अज 41 में ये थो 42 में तबर आट इंडिया वाली हिंदुस्तान छो वाली तारीख पई हल उन में ये थो अजो के ढीह से मुख्तलिफ़ हंधन से कराची आ कराची के एक बाहर कोशिश कन रिकॉर्ड रूम के रेलवे स्टेशन से बम चलाने की कोशिश कन पर अजीब इतफाक ये थो देसी बम हुआ वो फाटी न सकया सो सिंधु मानो जैसे ढो प्यारो आ मखण मानो आ पर मखण जैसे तपे तो ना तो तारो साड़ी तो 1942 में सिंधी मानो ने जो आ ना वो रंग गरम थे मखण वालों रवे डेखार उनमें ये सो ये गाल जैसे चवंदा तो भुखो के दौर जो छह साल बिगड़ों जैसे सिंधी मानू जैसे ऐसे तो उनको दाऊँ कोको उन हिला वसीला जैसे कम ना हलन तो करे करे वरी अड़ा दग रस्ता भी वे तो जे सभी के ना वणन पाजन के भी ना वणन परावन के भी ना वणन पर अड़ी सूरत हाल पैदा छो थे असाजे हाकिमन के असाजे दाहन मानों के या गाल समझ में छो न थी अचे कि अस मानू के जबान तो लफ्ज़ न खसूँ मानू के जहन में नजरों न खसूँ
माण्हू जे हथनि मां जेको आहे सो उहा कुवत ऐं ताक़त न खसियूं। जेकॾहिं असां उहा सभु कुझु खसींदासीं त पोइ उहो उन्हनि हथनि में का ॿी शइ बि अचे वेंदी। सो घणी अवां ख़ुशि रखंदो, पंहिंजूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं। अॼु अवांखे इहो गुज़ारिश करियूं 41-42 जे हवाले सां तव्हां वटि किताब पिया अथव, उन्हनि खे पढ़ो। अवां सां इहो बि गुज़ारिश करियूं त इहे जॾहिं ज़ालिम जाबिर हुकुमरान आया, पंहिंजा प्रमोशन पाण कनि, पंहिंजूं तरक़ियूं पाण कनि। अवांखे इहो ॿुधायो त कहिड़े नमूने सां इक़्तदार में अचण सां गॾु माण्हू जेको आहे सो चाहींदो आहे त अञा इक़्तदार खे तोसीअ ॾिया। सो इहे सभु शयूं अवां जा ॾाढो अर्ज़ु रखियमि। मां अवां खां वठां हाणे इजाज़त। इनशा अल्ला ताला सुभाणे गॾु थींदासीं। जिते आयो ख़ुशि रहो, झुक झुक जीओ। मां अवांजो हिकिड़ो नंढिड़ो खादिम आहियां। मां अवां सां जेके दुख ऐं ॾुख सूर सलींदो आहियां उहो अवांजे फोर फादर्स जा आहिनि, वॾड़नि जा आहिनि ऐं मुंहिंजे वॾड़ जा आहिनि। सदाई गॾु, सुभाणे वरी हाज़िर थी।